Alright, so guys, in this particular lecture, we are going to discuss the word problems of the 1.5, 10th standard, maths 1, linear equations in two variables. तो word problem की तरफ बढ़ने से पहले, let me help you to quickly how to identify to whom we need to assign the variables. ठीक है, क्योंकि जबकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो इसमें जो अपने को फाइंड आउट करना है तो उसको अपने को कुछ ना कुछ तो वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, राइट? तो वेरिएबल किसको असाइन करें, इसका जवाब आपको देगा द लास्ट द एंडिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंडिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले तो सॉल्व करना, चलो अलग बात है. सबसे पहले देखेंगे कि यार इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड कैसे करना है, एंड देन उससे दो इक्वेशंस अपने को बनाना पड़ेगा, राइट? एंड उन दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द आंसर ऑफ योर डिजायर्ड क्वेश्चन, जो भी गिवन क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा. ठीक है, ना यहाँ पे I'm reading the first of all numerical. Two numbers differ by 3. ठीक है, two numbers मतलब दो नंबर है, differ by 3 मतलब उनमें difference जो है वो 3 का difference है. मतलब for example एक नंबर 2 हो सकता है, दूसरा नंबर 5 हो सकता है, तो 5 और 2 में difference कितने का है? 3 का. लेकिन exact वो दो नंबर कौन से है अपने को पता नहीं है. ठीक है, थोड़ा दिमाग चल रहा है क्या? फिर किसको वेरिएबल असाइन करेंगे? ठीक है, चलिए. द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटेस्ट नंबर इज 19. फाइंड द नंबर्स. सो व्हाट वी विल डू, इन दो नंबर्स के बारे में बात किया है तो वी विल असाइन टू वेरिएबल्स टू दोस टू नंबर्स. टू वेरिएबल्स TWO, टू दोज टू नंबर्स. ओके, तो उसमें से देखिए यहाँ पे से एक चीज़ पता चलती है कि डिफर बाय 3, डिफर मतलब वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि भैया बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है. क्योंकि इफ़ आई विल सब्ट्रैक्ट 5, that is if I will do the subtraction 5 minus 2, my answer will be 3. But if I reverse the order and I will subtract like 2 minus 5, then answer will be minus 3. So answer may get changed. May kya? Answer will get changed. So iske liye it is necessary, ek to do number assign karna hai, lekin it is also necessary ki bhaiya aap ek ko bada number ghoshit kar do, ek ko chota number ghoshit kar do. Theek hai? सो वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा भाई, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3. और आगे की कंडीशन जो है वो पढ़ने में बहुत ही सिंपल है. ठीक है, सो डायरेक्टली ओके, सो हियर व्हाट वी हैव अज्यूम द स्मॉलर नंबर वाई एंड द ग्रेटर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई एंड द ग्रेटर नंबर एक्स. तो क्या बोला, टू नंबर्स डिफर बाय 3 ना, मतलब दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है? 3 का. मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 3. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन बाय आवर फर्स्ट कंडीशन. नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, द सम. व्हाट इज गिवन हियर, द सम. अभी किसका सम? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ऑलराइट, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, see I am reading this condition for you, the sum of the twice of the smaller number and thrice of the greater number, right, is matlab is equal to, to ye sum kitne ke barabar hai, is 19. So here we get the second equation. So we will solve this, we can solve these two equations, no, it's quite simple, right? वी विल अप्लाई अवर थ्री रूल्स. याद अगर रहेगा आपको, दो वीडियोज़ में मैंने बताया है
दबा दबा के वो भी बताया है, हर एक सम में जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ वहाँ पे बता दिया है। व्हाट इज़ अवर फर्स्ट रूल, डिसाइड द वेरिएबल दैट यू वांट टू कैंसिल। व्हाट इज़ अवर सेकंड रूल, सो हियर आई एम, इफ आई एम सपोज आई एम डिसाइडिंग द वेरिएबल दैट वाई आई वांट टू कैंसिल, देन सेकंड रूल टॉक्स अबाउट द कोएफिशिएंट, हियर द कोएफिशिएंट इज़ वन, हियर द कोएफिशिएंट इज़ टू, सो आई कैन मेक दिस वन बाई टू, राइट, वन I can make this one, or I can transform this one into two by how? By multiplying this by two. But अकेले को करके नहीं चलेगा, तो पूरे equation को we have to multiply. So after that is two and two, the coefficients will become same. No. Third rule talks about the which process that we need to carry out. So here the signs are not same. So we will do addition. Okay. So here we are multiplying this by 2. So what I will get, 2x minus 2y is equals to 6. So this I am getting the equation number 3. After that I will deal with the equation number 2 and 3. And since the signs are not same, so I will add this stuff. So this 2y plus 2 minus 2 will get cancelled. Minus 2 plus 2. Here it will come as 5x and here it will come as 25. So 5 will obviously go over there. This is in the form of multiplication. यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन, आंसर आएगा तेरा 5. वी विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी ऑफ द थ्री इक्वेशंस दैट वी हैव. सबसे सिंपल वाला सिलेक्ट करो यार. सो फ्रॉम दैट आई विल गेट द वैल्यू 5. वहाँ पे गया 3 माइनस 5, द आंसर विल बी माइनस 2 एंड देन माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 2. ओके, this is quite interesting sum actually. You see, यहाँ पे कुछ variables वगैरह अपने को assign करने का नहीं है, because उन्होंने already उसके length का, breadth का, length जो value है, that is already given in terms of variable. So if you see this green part over here, so this is your length part, जो कि दोनों भी क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए ना, since it is a rectangle. So opposite sides are congruent, right? So this part should be equal to this part, right? So that will give you one equation, okay? Now this breadth should be equal to this breadth. So 2y should be equal with x plus 4. So again, this condition or this statement will give you the another equation. That is your equation number 2. And when you will solve that equation number 1 and 2, no? Then you will get the value of x and y, okay? And after getting the x and y, what they are asking you to find is find my perimeter and area. Now guys, very easy. Once we get the value of x and y, you know, we can resubstitute the x and y over here in this all four sides. Okay. Now समझने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे भी put करोगे value, तो यहाँ का value और यहाँ का value दोनों भी क्या आएगा, same आएगा. अगर आप यहाँ पे put करते हो y का value, तो यहाँ का value और यहाँ का value दोनों भी क्या आएगा, same आएगा. So once we get the L and B, no, we can simply apply the formula of the perimeter of rectangle, that is 2 into the bracket L plus B, and the formula of area is L into B. Okay, so this one is quite easy. Okay, so obviously these lengths are opposite sides are equal, no, so we will equate this part with this part, and again breadth equal to this breadth. Okay, so here what we are doing basically is we are arranging the terms and we are converting this thing into a standard form of equation. What is our standard form of equation? Ax plus by is equal to c. Okay, let's see. So all variables we are sending on right hand side. Okay, all variables on right hand side, this is what we get. Then we will do the side change. Acha, ye baat hamesha yaad rakho, jab individual koi term left to right, right to left aata hai, to उसका साइन चेंज होता है, ठीक है. लेकिन जब पूरा का पूरा साइड ही दूसरे साइड पे आना चाहे, मतलब पूरा आरएचएस जब आएगा एलएचएस में और एलएचएस जाएगा आरएचएस में, इसका मतलब जब पूरा साइड चेंज होता है तो किसी भी टर्म्स में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है. सो हियर आई कैन ऑल्सो टेक टू कॉमन, नो, और एल्स वॉट वी कैन डू, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिया है लिखे. So what I can write over here is I can take 2 common from here. So kya bachega, 2 into the bracket x minus y is equals to 8.
एंड देन जो कॉमन लिया था ना टू, वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा. सो दैट टू विल बी गोइंग इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. सो टू फोर जा एट, तो ऐसे यहाँ पे अपने को फोर मिलेगा. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गेट फ्रॉम इक्वेटिंग द लेंथ्स और द एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ्स. नाउ वी विल इक्वेट द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिड्स. ऑलराइट, सो एक्स माइनस, ओके ये तो हो गया. अच्छा जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. Alright, so here 2y is equals to x plus 4, right? Now what else we can do over here? 2y को उधर भेज दो. See ये क्या किया है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ. 2y को उधर भेज दिया, 4 को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, x ये प्लस से उधर जाएगा ना, तो x माइनस 2y इधर एंड यहाँ पे माइनस 4, बराबर है. प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, ठीक है. एंड बाद में क्या कर दिया, साइड को चेंज कर दिया, साइड को क्या कर दिया, चेंज. तो माइनस 4 वहाँ पे गया एंड वेरिएबल पार्ट यहाँ पे आया, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि साइड चेंज के दरमियान कोई साइन चेंज नहीं होगा. सो वंस वी गेट दिस टू इक्वेशंस नो, देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व देम, राइट. सो दिस इज द मेन थिंग, ओके. Now here what we will do, now you can see already this, if we decide the variable that we want to cancel is x, then its coefficient is already same, no, right. So we will subtract equation number 2 from 1, yaad hai na ye baat, from ke aage, aage wala upar rahega, piche wala niche rahega, theek hai. जैसे माइनस साइन लग जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है. प्लस विल बिकम माइनस, इसका काम उतना ही है, ऐसे समझ लो. प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस. ओवर हियर नाउ आफ्टर दैट यू विल फॉरगेट दिस थिंग, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल. जब नहीं चाहिए तभी बहुत फास्ट हो जाता है. आई होप आपको समझा रहेगा वो वाला पार्ट, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चलिए फिर भी दिखा ही देते हैं. हाँ ठीक है, अभी रुक. हाँ सो ये माइनस वन प्लस टू दैट इज प्लस वन वाई, प्लस फोर प्लस फोर दैट इज एट. सो डायरेक्टली वाई का वैल्यू मिल गया 8. Now we can re-substitute the value of y in any of two equations we have. Choose the simple one. So here I will put the value of y. Minus it will go over there. So that will make x is equals to 12. So like I told you before, I can re-substitute the value of x and y to get the length and breadth. So dekho length ka expression ye hai na. So value dalo bhai. So y. और आई विल गेट 24, 16, ओके एंड देन 40 यूनिट्स. सो ये जितना रहेगा, अभी इधर अलग से वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात समझो. ये चीज़ में अलग, अगर डाल भी तो देखो, डाल के देखो तो भी आपको वही आएगा. वाई, बिकॉज दीज आर द लेंथ, सो दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई ओवर हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, राइट. सो 2y, 2 इंटू 8 दैट इज 16 यूनिट्स, ओके. सो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड देन वी कैन, इसके आगे का बात तो अभी आना चाहिए यार, कम ऑन. 10th स्टैंडर्ड में आए हैं, अगले मार्च को एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का वो भी. सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ पेरीमीटर. बात याद रखियो कि भाई पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ साइड्स. मतलब तेरा साइड सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर रहेगा, साइड तेरा मीटर में है तो पेरीमीटर का यूनिट भी मीटर में रहेगा. एंड व्हाट इज योर यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया क्या रहेगा भाई, जो तेरे लेंथ जिस यूनिट में रहेंगे उसका स्क्वायर. मीटर लेंथ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब.
अगर एल बी एच तीन लेंथ तेरे को मीटर में दिया है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब। तो हमेशा ना याद रखो गाइस कि एरिया इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लेंथ्स, ओके, वॉल्यूम इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री लेंथ्स, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, खुद से करो भाई खुद से करो, 14 इंटू 16 देयर वी गेट 640 स्क्वायर यूनिट्स, ओके ओके। ये अभी बहुत पारंपरिक सम बोल सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल सम बोल सकते हैं, एज वाला सम, इसका एज इतना है उसका एज इतना है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो लेट मी रीड द सम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू, वो बात बाद में देखते, ठीक है। द सम ऑफ फादर्स एज, पहले अपन आइडिया लगाते कि यार क्या दिया है सिनेरियो, कि क्या माहौल क्या है सम का, बात क्या चल रही है सम में। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब बेटे और उसके फादर का एज दिया हुआ है, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट पार्ट, बिकॉज ये लास्ट पार्ट ही आपको क्ल्यू देगा कि भाई वेरिएबल किसको असाइन करना है। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो व्हाट आई विल डू, फादर एंड हिज सन, उनके प्रेजेंट एजेस को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई अज्यूम कर लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ से अनुमान लगा लेते कंडीशन का, द सम, सम मतलब क्या आएगा पहला वोल, प्लस किसका किसका सम, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर्स एज मतलब एक्स प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन मतलब सन के एज का डबल, टू वाई, समझा क्या, दैट इज इक्वल टू 70। तो क्या मिलेगा कंडीशन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 70। सम ऑफ हिज फादर एज एंड ट्वाइस द सन्स एज इज मतलब इज इक्वल टू 70। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इक्वेशन, कर रहा हूँ एक्सप्लेन। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर का एज डबल कर दिया मतलब एक्स विल बिकम 2x, एंड एड इट, एड मतलब सम कर दिया किसके साथ, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम बिकम्स 95, द एज ऑफ हिज सन मतलब खाली सन का एज कितना, वाई, समझा क्या। फादर के एज को डबल करके सन के एज में ऐड कर दिया तो सम कितना मिला, 95। सो दिस इज व्हाट योर सेकंड कंडीशन, ऑलराइट। सुनो इजीली बाय आवर रेगुलर मेथड, व्हाट इज दैट, अरे यार नहीं रे बाबा, नहीं ना नहीं ना नहीं ना नहीं ना, ज़रूरत नहीं है। अभी कोई बोलेगा कि सर ये तो इंटरचेंज वाला केस है, इधर प्लस है इधर मतलब इधर वन है टू है टू है वन है, बराबर। अरे लेकिन कोएफिशिएंट देखना, छोटा छोटा कोएफिशिएंट है, तो खाली पीली वो ऐड करके एक निकाल, फिर सब्ट्रैक करके एक निकाल, वो करने में अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा तू क्या कर, जो अपने नॉर्मल रेगुलर रूल्स है, मैं क्या बोला वो वाला चीज़ कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ यहाँ पे अदला बदली है, लेकिन कोएफिशिएंट छोटे हैं ना, वहाँ पे कौन थे 99 147 ऐसे थे, तो वहाँ पे वो चीज़ करना पड़ा, यहाँ पे वो करना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो व्हाट इन माय मेथोडोलॉजी व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जैसे नॉर्मल रेगुलर रूल लगाते हो वैसे करो, ठीक है। सो हियर आई विल डिसाइड वन वेरिएबल दैट आई वांट टू कैंसिल, दैट इज़ इफ़ आई सिलेक्ट वाई। सो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करूँगा, कोएफिशिएंट सेम कराना है, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, सेकेंड रूल ना, तो इधर वन है को टू कैसे बनेगा, मल्टीप्लाइंग विद टू, सो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। देन साइंस आर सेम, सो डू सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने को उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग मेथड से दिया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल रेगुलर रूल्स अप्लाई करके करो तो कोई डिफिकल्ट जाने वाला नहीं है। बच्चे लोग क्या कभी कभी ब्लैंक भी हो जाते हैं, तो उससे अच्छा ब्लैंक होने के चांसेस अवॉइड करो ना यार। सो आपको डायरेक्टली एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा वंस यू सॉल्व दैट थिंग, ओके। सो या व्हाट द वैल्यूज दैट वी विल गेट इज एक्स इज इक्वल टू 40 एंड वाई इज इक्वल टू 15, ओके, इजी है। अभी देखो यहाँ पे क्या बात छेड़ी है,
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. तो यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. डिनोमिनेटर ऑफ, अपने को पता है ना भाई कि फ्रैक्शन को दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज फोर दैन ट्वाइस द न्यूमरेटर. मीन्स समवेयर यू विल गेट दैन आइडिया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रैक्शन एंड उस फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओनली, कि ये इसका डबल है, वो उसका फोर्थ टाइम है, ऐसा है वैसा है. सो आफ्टर दैट इमीजिएटली आई विल फोकस ऑन द लास्ट पार्ट एंड वॉट इज आस्क्ड ओवर देयर, फाइंड द फ्रैक्शन. फाइंड द फ्रैक्शन. नाउ गाइज, यू नो दिस वन थिंग, टू फॉर्म अ फ्रैक्शन वॉट इज रिक्वायर्ड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो उन्हीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, वी विल असाइन द वेरिएबल्स. सो लेट्स सी, वी कैन असाइन द न्यूमरेटर एज एक्स एंड डिनोमिनेटर एज वाई, एंड देन we will use the, because once we get the value of x and y na, so x upon y will be nothing but my final fraction that I want to find. So here the x is numerator and the y is my denominator, then we will apply the conditions over here. aram se bhai. The denominator of a fraction, aya is matlab is equal to 4 more than. ए बाबा, 4 times नहीं बोला है. 4 more than मतलब 4 से ज़्यादा है. मेरे पास 10 रुपया है, उसके पास 4 से ज़्यादा है, मतलब उसके पास 14 रुपया है, राइट. सो 4 more than मीन्स वॉट, प्लस 4. अरे किससे 4 more than, बट 4 more than twice its numerator. सो 2 into x, समझ रहे हो, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जो कि दिख रहा तो नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट को एक साइड करेंगे, कॉन्स्टेंट नंबर को एक साइड करेंगे. सो सी सिंपली क्या किया है, 4 को इधर भेजा तो -4 हुआ, y को उधर भेजा तो -y हो गया, बराबर है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 इज इक्वल टू 2x - y, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, साइड को चेंज कर दिया. क्या किया, साइड को चेंज कर दिया. सो 2x - y इज इक्वल टू -4, ओके. देन अभी ये बड़ी बात है, डिनोमिनेटर, अभी देखो क्या चीज है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर आपका 12 times हो जाएगा किसके, न्यूमरेटर के. कभी इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस बाय सिक्स. रिड्यूस मतलब आप डिनोमिनेटर में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट करो, न्यूमरेटर में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब y - 6 and x - 6. सो दिस इज माई न्यू डिनोमिनेटर एंड न्यू न्यूमरेटर. सो दिस माई न्यू डिनोमिनेटर is 12 times the new numerator, ठीक है. 6 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बनेंगे उनमें ये रिलेशन बैठ रहा है, दैट इज डिनोमिनेटर इज 12 times द न्यूमरेटर. समझे क्या. सो हियर आई विल सॉल्व दिस थिंग, मल्टीप्लाई करके लो 12x, 12 6 = 72. नाउ दिस, ओके फाइन. Alright, so what we have done over here, फटाफट करते रहे. दूसरी बात तो देखो, y उधर चला गया, मैं बता रहा हूँ y उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 12x - y -72 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 + 72, ठीक है. उन्होंने बाद में क्या किया है, साइड चेंज किया है, ठीक है. तो 12x - y इज इक्वल टू -6 + 72. ठीक है, सो दिस इज वॉट आई गेट. नाउ वॉट वी कैन डू इज, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ हियर वॉट वी कैन डू, सिंपल रेगुलर रूल्स लगाओ ना यार. डिसाइड द वेरिएबल दैट आई वॉन्ट टू कैंसिल, ओके, दैट इज माई वाई. चेक द कोएफिशिएंट, 1 1, कोएफिशिएंट्स आर सेम, गो टू द नेक्स्ट स्टेप. साइंस आर सेम ना, डू सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, मतलब आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे,
ये ऊपर आया, उसके नीचे ये वाला आएगा। सब्ट्रैक्शन का काम क्या रहेगा, नीचे वालों का साइन चेंज करके दो, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम, ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, यहाँ पे प्लस चाहिए था, थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन यहाँ पे प्लस चाहिए था, ठीक है। तो 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, 66 प्लस 4 हो जाएगा 70, ठीक है। एंड देन x इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट एज 7, ओके, x इज इक्वल्स टू 7। नाउ वी विल पुट दैट इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, दो ही है अपने पास, सिंपल वाले में डाल दो, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, सो विल गेट वाई इज इक्वल्स टू 18। सो योर अल्टीमेट लास्ट फ्रैक्शन विल बी योर एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज नथिंग बट 7/18, 7/18, ओके। ये तगड़ा समय यार, ये मजा आएगा, ठीक है। देखो भाई क्या है, दो बक्से है ए और बी, और जो ट्रक है उसका कैपेसिटी कितना है, 10 टन्स का है, कितना का, ये मैंने एक्चुअली सॉल्व भी किए, लास्ट टू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट आई हैव सॉल्व, ओके, तो वो आप देख लो एक बार फेसबुक पे भी, ठीक है। तो बात देखो क्या है कि पहली बार क्या हुआ, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप, अभी देख ए बॉक्स है ना, तो उसका एक कुछ तो अलग वजन रहेगा, मतलब एक ए बॉक्स का, एक ए बॉक्स का और एक बी बॉक्स का कुछ अलग वजन रहेगा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, लास्ट पार्ट, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, उसको ही अपने को क्या करने का है, वेरिएबल असाइन करने का है। सो व्हाट वी विल अज्यूम, वेट ऑफ वन बॉक्स ए इज एक्स एंड वेट ऑफ वन बॉक्स बी इज वाई, ठीक है। तो पहला के कंडीशन ये है कि ट्रक में जब 150 ऑफ ए डालेंगे, ए बाबा एक का वजन सपोज एक्स टन रहेगा, कितना रहेगा एक्स टन, तो 150 का कितना रहेगा, 150 इंटू एक्स, ये बात पता है। बी का अकेले का एक ही बॉक्स का वजन कितना है, वाई टन, तो 100 बॉक्सेस का कितना रहेगा, 100 इंटू वाई, बात समझ रहे हो। तो 150 ए के 100 बी के बक्से जब उठा के ट्रक में डाल दिए तो ट्रक का कैपेसिटी हो गया फुल, मतलब इज इक्वल टू 10 टन्स, इज इक्वल टू 10 टन्स, ठीक है। तो इन्होंने जो सम सॉल्व किया है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज जो 10 टन्स ना, तो उसको कन्वर्ट किया है केजी में, किसमें कन्वर्ट किया है, केजी में। अरे एक टन मतलब 1000 केजी होता है ना, तो 10 टन मतलब 10 × 1000, तो 10,000 हो गया। और जैसे कि मैंने बोला, लास्ट पार्ट जो देखने का वहाँ पे से पता चलेगा कि किसको क्या अज्यूम करना है। तो वेट ऑफ ए बॉक्स इज, वेट ऑफ बॉक्स ए इज एक्स एंड वेट ऑफ बॉक्स बी इज वाई, ठीक है। पहला कंडीशन देख, पहला, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस, दिस 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, दिस इज द वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो दोनों ने मिला के जो है वो योगदान दिया है टोटल वेट में। और जब ये दोनों प्रकार के बॉक्सेस जब बस में ट्रक में बैठेंगे तो पता चलता है कि कैपेसिटी फुल हो चुका है, मतलब क्या, इन दोनों का योगदान जो है, दिस कंट्रीब्यूशन बिकम्स इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक, दैट इज नथिंग बट 10,000 किलोग्राम। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय 10 इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अरे एक एक जीरो दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सबके पास, तो निकाल देना बाय डिवाइडिंग विद 10, ठीक है। यहाँ पे कॉमन तो नहीं ले सकते, डिवाइड ही कर दो, ले सकते हैं, लेकिन खाली पहली क्यों कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना, 10 से डिवाइड कर दिया, सो वी विल गेट दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड किया आगे, और डिवाइड किया किससे, 5 से डिवाइड किया, तो लिखना ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे आए 3x + 2y = 100, तो अभी थोड़ा बहुत डील कर सकते ना, मतलब थोड़ा बहुत छोटा इक्वेशन बन चुका है तो सॉल्व करने में आसानी होगा। सेकंड कंडीशन ज़बरदस्त है, क्या है देखो, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन ट्रक, मतलब ट्रक का कैपेसिटी है 10 टन्स का, मतलब ट्रक का कैपेसिटी है 10,000 केजी का,
260 ए प्रकार के बॉक्सेस ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रक फुल हुआ नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब अभी भी 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी को बैठने के लिए जगह है, ट्रक अभी भी फुल हुआ नहीं है। सो कंडीशन इज क्वाइट सिंपल गाइस, 260 ऑफ ए एंड 40 ऑफ बी, 260 ऑफ ए उनका योगदान कितना रहेगा, 260 इंटू एक्स, एक्स इज अ वेट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल बॉक्स ए, 40 इंटू वाई और बैठ सकते हैं ताकि ट्रक फुल हो, ताकि ट्रक फुल हो, मतलब एक बार ये आ गए 40 बी प्रकार के बॉक्सेस तो ट्रक फुल हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी हो जाएगा 10,000 केजी, समझ रहे हो। अगेन उसको 10 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट दिस रिजल्ट, अगेन उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं सो वी विल गेट दिस रिजल्ट, 13 2 4 2 4 500, सो विल गेट इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, नाउ यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे डिसाइड द वेरिएबल दैट यू वॉन्ट टू कैंसिल ना, वाई द कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी सेम, राइट, साइंस आर सेम, सो डू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, आगे वाला ऊपर, फ्रॉम के आगे वाला ऊपर, फ्रॉम के पीछे वाला नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो भाई उतना सॉल्व करो यार, ऑलराइट 10 वापस आएगा सो वी विल गेट द एक्स का वैल्यू इज 30 केजी, ठीक है, एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, ओके। चलिए डन 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 डन, टू वाइज इक्वल्स टू 110.55 कीजिए आंसर आना चाहिए, ओके थैंक यू। ऑलराइट अगला सम बड़ा ही प्यारा है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब एक टोटल जर्नी है जिसका डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है। सो एक जो अपना विशाल है, मेरे पास भी एक विशाल था, विशाल शुक्ला मलाड से आता था बेचारा, बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके क्लासेस में, गोरेगांव के क्लासेस में। तो विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, तो भाई कुछ डिस्टेंस बस से गया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से गया। यहाँ पे डायग्राम बहुत हेल्प करेगा यार, डायग्राम बहुत हेल्प करेगा, दोनों का स्पीड भी दिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार लास्ट बात क्या है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, तो उसी को बस उसी को अपने को क्या करना है, वेरिएबल असाइन कर देना है। सो भाई वे लो वेरिएबल क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल इन बस इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन वाई किलोमीटर, बात समझ रहे हो। डायग्राम चाहिए यार, डायग्राम रहेगा तो मज़ा आएगा, ये तो ठीक है उन्होंने सब एक्सप्लेन करके बताया है, अगर डायग्राम नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूँगा, बिकॉज दिस सम आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय पर्टिकुलर लेक्चर। डायग्राम दिखा दे, चलिए ऐसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर भी, दो एक बस का डिस्टेंस, बस ने उसे डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स किलोमीटर और प्लेन से किया वाई किलोमीटर, तो टोटल जर्नी कितने का है 1900 किलोमीटर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1900, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो सेकंड इक्वेशन के लिए अपने को देखो, सेकंड इक्वेशन क्या दिया पता है क्या, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब कुछ समय उसने बस में बिताया और कुछ समय उसने प्लेन में बिताया, तो बस का टाइम और प्लेन का टाइम, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है 5 hours, तो पहले टाइम का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कैसे, टाइम इज इक्वल्स टू, ये पता है ना क्या होता है पहले, ये ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ऊपर गया स्पीड नीचे आया, तो ये फॉर्मूला जाके बना है, ठीक है। सो वी कैन से द टाइम टेकन टू ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज आई विल मेंशन द टाइम ट्रैवल्ड बाय बस, ओके, तो वो कितना रहेगा भाई, ये फॉर्मूला लगा दो, टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय बस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x, स्पीड 60, वैसे ही टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय प्लेन कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस y अपॉन स्पीड 700,
तो y अपॉन 700, तो ये जो भी आपको वैल्यूज मिलेंगे ना वो किस में मिलेंगे, आर्स में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, आर्स में, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है यार, ऊपर डिस्टेंस है तो वो किलोमीटर में है और नीचे आपका किलोमीटर पर आर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होता है और आर ऊपर जाता है, याद रखो ये बात। कभी आओ क्लासिक क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं फिर, ठीक है। सो हियर ओके, सो दिस इज टाइम टेकन टू ट्रैवल इन बस एंड दिस इज टाइम टेकन टू ट्रैवल इन प्लेन, और दोनों का टाइमिंग मिला के टोटल टाइम कितना लगा है जर्नी को, 5 आवर्स, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये अभी सॉल्यूशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर ये देखो डिवीजन है तो उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे गया, ठीक है। सो हियर क्या कितना, ओके शॉर्टकट शॉर्टकट डिवाइडिंग बाय 10 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, 10 कैंसिल, डिवाइड बाय 10 करेंगे, 10 कैंसिल, इधर भी डिवाइड बाय 10 करेंगे और 10 कैंसिल, ठीक है। सो प्रोबेबली ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है इसके साथ, ठीक है। चलो और एक हो रहा है, अच्छी बात है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे 35 3 10 500, और कुछ पॉसिबल है नहीं भाई, और तो कुछ पॉसिबल नहीं। वाह वाह दिमाग देखो क्या लगाया है, नाउ दिस सम दे हैव सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है तो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, साइमल्टेनियस मेथड है तो उसको ही यूज़ करना चाहिए था हम लोग को। एनीवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है वो फटाक से बता देता हूँ। वाई का वैल्यू यहाँ पे ना, y का वैल्यू निकालेंगे तो x वहाँ पे जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1900 माइनस x बचेगा, राइट। तो वो y का वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। फिर आगे का पूरा खेल आपके सामने है, दिस इंटू दिस 19 3 57, ये हो गया 3x, दिस 35 माइनस 3 दैट इज 32, दिस प्लस विल गो ओवर देयर माइनस, इट विल बिकम माइनस, ओके आफ्टर दैट 32, सो हाउ मच एक्स आई विल गेट इज 150 किलोमीटर, ये नॉर्मल डिवीजन है यार, ठीक है। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने जो है वो बस से ट्रैवल किया है, ठीक है। और अगर प्लेन वाला चाहिए तो प्लेन वाला भी निकाल लो, तो वाई का आंसर मिलेगा 17550 किलोमीटर। तो बस से ट्रैवल किया 150 एंड सिर्फ बस का ही पूछा है तो बस का लिख दिए, अगर दोनों का पूछे तो दोनों का लिख देते, ठीक है। थैंक यू सो मच।